आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम शोल्डर बैग बनाएंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने शोल्डर बैग बनाया है। ये फ्रंट साइड से है, ये फ्लैप से इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, ये हमने फ्लैप दिया है, फ्लैप से हमने इसको ओपन किया और एक पॉकेट हमारी अंदर की साइड में यहाँ पे है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही नीटली पूरी पॉकेट स्टिच हुई है और एक पॉकेट ये जिप से है। यहाँ पर भी बहुत ही स्पेस है और एकदम नीटली पूरी पॉकेट्स हमारी इसमें स्टिच हुई है। इसको जिप से लॉक कर देंगे और अंदर की साइड में हमने तीन पॉकेट दी है। देखिए, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है, एक पॉकेट हमारी इस साइड में है और एक सेंटर में हमने जिप से ये पॉकेट दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही नीटली पूरी पॉकेट्स हमारी इसमें स्टिच हुई है। इसको हम जिप से लॉक कर देंगे और इस फ्लैप को ऐसे लेते हुए हम यहाँ पे वेलक्रो से लॉक कर देंगे और फ्लैप में भी हमने ये पॉकेट जिप से दी है। देखिए, जिप से इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर भी हमारी एक पॉकेट है, इसको जिप से देखिए लॉक कर देंगे और बैक साइड में भी हमने एक पॉकेट दी है जिप से। ये देखिए, जिप से ओपन किया, यहाँ पर भी देखिए काफ़ी स्पेस है और बहुत ही नीटली पूरी पॉकेट यहाँ पे स्टिच हुई है। इसको जिप से हम लॉक कर देंगे और ये हैंडल दिया है इसको क्रॉस करके लेने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीटली पूरा बैग ये स्टिच हुआ है। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर स्टिच करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये शोल्डर बैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। शोल्डर बैग बनाने के लिए हमने 12x12 का दो क्विल्टेड पीस लिया है, एक ये और एक ये। और इस वाले 12x12 के क्विल्टेड पीस में हमने 8 इंच की जिप को और 8x16 के ये प्लेन पीस को लेते हुए यहाँ पे पॉकेट को अटैच किया है। इसे कैसे अटैच करना है अभी हम आपको स्टिच करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमको 12x12 के दो क्विल्टेड पीस लेने हैं और ये 3.5x10 का एक क्विल्टेड पीस है और एक प्लेन पीस है। 3.5x10 का एक क्विल्टेड पीस और एक प्लेन पीस। 10x10 के हमने दो क्विल्टेड पीस लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 10x10 के दो क्विल्टेड पीस हैं और दो हमने ये प्लेन पीस लिए हैं 10x10 के। और ये 8.5x10 का हमने एक क्विल्टेड पीस लिया है और एक प्लेन पीस लिया है। 8.5x10 का एक क्विल्टेड पीस और एक प्लेन पीस। और ये 8x12 का हमने एक क्विल्टेड पीस लिया है और एक प्लेन पीस लिया है। 8x12 का एक क्विल्टेड पीस और एक प्लेन पीस। और ये 10x13 का दो हमने प्लेन पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 10x13 का दो प्लेन पीस। और ये 14x26 का एक प्लेन पीस लिया है हमने। 14x26 का एक प्लेन पीस। और ये 8x16 का हमने ये एक प्लेन पीस लिया है और एक प्लेन पीस हमने 12x12 के क्विल्टेड पीस में जो हमने पॉकेट अटैच की है उसमें हमने एक प्लेन पीस लगाया है 8x16 का और एक 8x16 का। ये हमें दो प्लेन पीस लेने हैं 8x16 के। और ये 4.5x36 का हमको एक क्विल्टेड पीस लेना है। 4.5x36 का एक क्विल्टेड पीस। 5 इंच की दो बेल्ट लेनी है हमें। देखिए, ये रेडीमेड बेल्ट है फ्रेंड्स। 5 इंच की दो बेल्ट और दो हमने ये डी लूप लिए हैं। देखिए फ्रेंड, दो डी लूप लेने हैं और दो हमें 5 इंच की दो बेल्ट लेनी है। 2 इंच का हमको वेलक्रो लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच का ये एक वेलक्रो। 45 इंच की ये हमने बेल्ट ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये 45 इंच की बेल्ट है, ये रेडीमेड बेल्ट है। 45 इंच की बेल्ट। और 8 इंच की हमें 3 जिप लेनी है। देखिए, 8 इंच की हमने 3 जिप ली है और एक जिप में हमने देखिए फैब्रिक को 2x2 के फैब्रिक को यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे हमने स्टिच कर लिया है। तो एक जिप में हमें फैब्रिक को अटैच करना है और तीनों जिप में देखिए हमने रनर को डाल लिया है। सबसे पहले हम 12x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने सेंटर का कट लगा लिया है। ये सेंटर है क्विल्टेड पीस का। और 8x16 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। सेंटर के मार्क से हम 1 इंच नीचे डाउन करेंगे। देखिए, 1 इंच हमने डाउन किया और
ये जो हमने 1 इंच पे डाउन किया है, यहाँ पे इस प्लेन पीस को सेंटर के मार्क से ऐसे मिलाते हुए, देखिए ऐसे मिलाएंगे सेंटर के मार्क से, और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब हम प्लेन पीस में 1 इंच पे नीचे डाउन करेंगे। देखिए ये 1 इंच पे हमने डाउन किया, सेंटर से 3.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे और 3.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे, यानी 7 इंच पे हमें मार्क करना है। ये जो हमने ये मार्क किया है, मार्क वाली लाइन से हाफ इंच इस साइड से और हाफ से हाफ इंच इस साइड से हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे और एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। मार्क करके हमने ये बॉक्स बना लिया है। अब हम इसके चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। ये जो हमने बॉक्स बनाया था, बॉक्स के चारों साइड से हमने स्टिच करके इसको यहाँ पे प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और जो सेंटर पे हमने 7 इंच पे मार्क किया था उसको हम ऐसे हल्का सा सेंटर पे ऐसे कट कर लेंगे और इसको हम ऐसे ही सीधे ही कट करेंगे और एंड में हम यहाँ पे वी शेप में कट कर लेंगे। इस साइड से भी ऐसे ही सीधे हम कट कर लेंगे इसको और एंड में हम वी शेप में कट करेंगे। देखिए ऐसे करके हम वी शेप में कट कर लेंगे। अब हम पिन को निकाल के और इसको हम अंदर की साइड में ले जाएंगे और पिन अप कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने पिन से इसको सेट कर लिया है। अब हम 8 इंच की ये जिप लेंगे और जिप को देखिए ये सीधा साइड है जिप का, इसको हम देखिए ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ पे चारों साइड से स्टिच करते हुए जिप को इसमें अटैच कर देंगे। देखिए चारों साइड से स्टिच करते हुए हमने जिप को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड में आएंगे और ये जो पिन है इसको ऐसे निकाल लेंगे। इस प्लेन पीस को हम ऐसे ऊपर की साइड में ऐसे सेट करेंगे और 3 साइड से स्टिच करते हुए इस पॉकेट को हम लॉक कर देंगे और ये जो क्विल्टेड पीस है इसको हम ऐसे हटाते हुए 3 साइड से स्टिच करेंगे और इसको हम पॉकेट को लॉक कर देंगे। से स्टिच करते हुए हमने पॉकेट को देखिए लॉक कर दिया है। अब ये पॉकेट हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है। फ्रेंड्स जैसे हमने इस पॉकेट को अटैच किया है वैसे ही हमने दूसरे क्विल्टेड पीस में भी ऐसे ही हमने पॉकेट को स्टिच किया है। अब हम 8x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और क्विल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, हल्का सा कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। सेंटर का मार्क हमने कर लिया है। अब सेंटर के मार्क से हम 2 इंच पे नीचे डाउन करेंगे। देखिए ये हमने डाउन किया और ये जो हमने वेलक्रो लिया था, ये 2 इंच का हमने वेलक्रो लिया है। वेलक्रो को हम देखिए ऐसे अलग करेंगे, इसको इस वाले मार्क पे हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे चारों साइड से स्टिच करते हुए वेलक्रो को इसमें अटैच कर देंगे। टू इंच पे डाउन करके देखिए हमने वेलक्रो को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हम ये वाला प्लेन पीस लेंगे, 8x12 का ये प्लेन पीस है, इसको हम देखिए इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सीधे स्टिच करते हुए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमने क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब इसको ऐसे पलट के हम बैक साइड में ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे और सेंटर पे एक पिन लगा लेंगे हम। अब हम यहाँ पे दाग सिलाई देते हुए यहाँ पे चारों साइड से स्टिच करते हुए प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। जो ऊपर से हम दाग सिलाई देंगे ऊपर से हमें पाइपिंग की तरह पूरा स्टिच करना है। ये देखिए ऊपर हमारा फ्रंट की साइड में यहाँ पे ऊपर से पाइपिंग की तरह हमारा ऐसे स्टिच होना चाहिए। तो ये देखिए चारों साइड से स्टिच करके हमने प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब हम ये 12x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे जिसमें अभी हमने पॉकेट को अटैच किया है, इसको लेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे 3 साइड से स्टिच करते हुए क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। थ्री साइड से स्टिच करते हुए क्विल्टेड पीस को हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए ये पार्ट हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम
8.5x10 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये प्लेन पीस लेंगे। और देखिए जिसपे फैब्रिक को स्टिच किया था वाली जिप लेंगे 8 इंच की, और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे जिप को। ये जिप का सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। उल्टी जिप को हम ऐसे रखते हुए यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए पहले जिप को रखेंगे, इसके बाद इसके ऊपर ये प्लेन पीस रखेंगे और यहाँ पे सीधे स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने प्लेन पीस को और जिप को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब इसको हम पलट के बैक साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम 3.5x10 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये प्लेन पीस लेंगे। और इस पार्ट को देखिए हम ऐसे, ये हमारा सीधा साइड है और ये सीधा साइड है, इसको हम जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और नीचे की साइड हम ये प्लेन पीस रखेंगे और सीधे स्टिच करके जिप को हम इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस को लेते हुए हमने जिप में देखिए अटैच कर दिया है। अब इसको हम ऐसे सीधी साइड ले जाएंगे, देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे सीधे स्टिच करके इसमें दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम 10x13 का ये प्लेन पीस लेंगे और ये देखिए ये प्लेन पीस हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे सेट करेंगे। और ये वाला भी 10x13 का प्लेन पीस है, इसको हम देखिए एक साइड से यहाँ 10 की साइड पे हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, हम यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लेंगे। सेंटर के कट से हम 1.5 इंच पे नीचे डाउन करेंगे, ये हमने डाउन किया 1.5 इंच पे। और ये जो वेलक्रो का दूसरा पार्ट है, वेलक्रो के दूसरे पार्ट को हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो देखिए पहले वेलक्रो को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी इसके सेंटर का मार्क लगा लेंगे। वेलक्रो का जो सेंटर का मार्क है, सेंटर के मार्क से ऐसे मिलाते हुए चारों साइड से स्टिच करते हुए वेलक्रो को प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। देखिए 1.5 इंच पे मार्क करके हमने यहाँ पे वेलक्रो को अटैच कर दिया है प्लेन पीस में। अब हम इस वाले प्लेन पीस को नीचे की साइड में रखेंगे, 10x13 का प्लेन पीस है, और इसको हम क्विल्टेड पीस जिसमें हमने जिप को अटैच किया है इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे। और ये जो प्लेन पीस है जिस साइड हमने यहाँ पे वेलक्रो को अटैच किया है, यहाँ पे ये वाला साइड हमारा इस साइड आना चाहिए। तो ये देखिए वेलक्रो वाला पार्ट हमारा नीचे की साइड में होगा, देखिए ऐसे सेट करेंगे लेंगे और 5 इंच का गैप छोड़ते हुए हम चारों साइड से स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। तो पहले ऐसे सेट करते हुए हम पिनअप कर लेंगे, पिन से हमने सेट कर लिया है। अब हम 5 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। का गैप छोड़ते हुए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है प्लेन पीस को, क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब हम पिन को पहले निकाल लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे देखिए हल्का सा ऐसे कट लगा लेंगे, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको पलट के सीधी साइड ले आएंगे। इसको पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3 साइड से स्टिच करते हुए इसमें दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम 12x12 का ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने एक जिप को अटैच किया था। देखिए इस वाले पार्ट में हम पहले यहाँ पे 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, ये हमने देखिए 1.5 इंच पे नीचे डाउन किया और ये सेंटर का मार्क है, इस क्विल्टेड पीस का ये सेंटर है। और इसको भी देखिए हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे सेंटर का मार्क लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है
और ये जो क्विल्टेड पीस है जहाँ पे हमने 5 इंच में गैप छोड़ते हुए स्टिच किया था, इसको हम अंदर की तरफ ऐसे सेट करेंगे, देखिए अंदर की तरफ इसको करते हुए, और ये जो हमने 1.5 इंच पे नीचे डाउन किया है सेंटर के मार्क पे, इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सेंटर के मार्क पे सेट करते हुए हमने यहाँ पे सीधे स्टिच करके क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब इस साइड हम लाएंगे इसको और यहाँ पे ऊपर से दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम 4.5x36 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और क्विल्टेड पीस को यहाँ पे देखिए पहले ऐसे सेट करेंगे, ये पे देखिए यहाँ पे ऐसे रखते हुए हम पिन अप कर लेंगे। पहले ये जो हमारा फ्लैप है, फ्लैप को हम देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, नहीं तो ये साथ में स्टिच हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। अब इसको हम देखिए ये वाला जो 4.5x36 का क्विल्टेड पीस है, इसको हम देखिए यहाँ पे 3 साइड से सेट करते हुए यहाँ पे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। स्टिच करते हुए देखिए हमने क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम 12x12 का दूसरा ये क्विल्टेड पीस लेंगे जिसमें हमने पॉकेट को अटैच किया था, इसको देखिए ऐसे सेट करेंगे। ये देखिए ये जिप का पार्ट है और ये जिप का पार्ट, दोनों पार्ट हमारा ऊपर की साइड में रहेगा और यहाँ पे इसको सेट करते हुए इसको भी हम 3 साइड से स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर देंगे। से स्टिच करते हुए हमने इस वाले क्विल्टेड पीस को भी इसमें अटैच कर दिया है। अब हम ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे ऐसे हल्का सा कट लगा लेंगे दोनों साइड से, ये देखिए ये हमने कट लगा लिया। अब इसको हम पलट के सीधी साइड ले आएंगे, पलट के इसको सीधी साइड कर लिया है हमने। अब हम ये जो स्टिच लाइन है, इस स्टिच लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे इस वाले क्विल्टेड पीस में हम कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। सेंटर के मार्क से हम यहाँ पे 3 इंच पे नीचे डाउन करेंगे। ये 5 इंच की बेल्ट लेंगे और ये डी लूप लेंगे, इसको हम देखिए डी लूप को 5 इंच की बेल्ट में ऐसे डालेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने मार्क किया है यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे सीधे। इसके बाद इसको ऐसे करते हुए हम यहाँ पे स्टिच करके दोनों साइड से स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से देखिए हमने 3 इंच पे डाउन करके 5 इंच की बेल्ट में डी लूप को डालते हुए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर शेप में स्टिच करना है और इस बेल्ट को इसमें अटैच करना है। अब हम 10x10 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये प्लेन पीस लेंगे। पहले 10x10 का एक पीस लेंगे और ऊपर की साइड में हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमने मार्क किया, और इस साइड भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये जो हमने मार्क किया है 1 इंच पे, यहाँ पे देखिए स्केल रखते हुए इस कॉर्नर पे हमें मिलाना है, देखिए इस पे मिलाना है और यहाँ पे ऐसे करते हुए ऐसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऐसे ही इस कॉर्नर पे भी हमको ऐसे सेट करना है, देखिए इस कॉर्नर पे रखते हुए स्केल को और इस मार्क पे ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे करते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। दोनों साइड में देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसको ऐसे यहाँ से कट कर लेंगे, दोनों साइड से देखिए हमने कट कर लिया है। ऐसे ही ये वाला क्विल्टेड पीस भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस वाले पीस को ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे सेट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड दोनों क्विल्टेड पीस को हमने कट कर लिया है। ऐसे ही हमको ये दो प्लेन पीस है 10x10 के, इसको भी हम ऐसे ही इसी शेप में कट कर लेंगे। देखिए क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस दोनों को हमने कट कर लिया है। अब हम 8 इंच की ये जिप लेंगे और जिप को देखिए जिप का सीधा साइड है, इसको हम इस साइड ऐसे पलट के ऐसे रखेंगे जिप को, और ये प्लेन पीस लेंगे, ये देखिए ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे।
देखिए हमने जिप के ऊपर प्लेन पीस और क्विल्टेड पीस को रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम पलट के सीधी साइड में लाएंगे और यहाँ पे दाब सिलाई देते हुए हम सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए मैं सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम ये वाला क्विल्टेड पीस लेंगे और जिप को हम इस साइड ऐसे रखेंगे क्विल्टेड पीस को, और नीचे की साइड हम ये प्लेन पीस रखेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके इसको भी इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने प्लेन पीस और क्विल्टेड पीस को जिप वाले पार्ट में अटैच कर दिया है। अब हम ये जो प्लेन पीस है इसको ऐसे सीधा करेंगे, देखिए ऐसे सीधी साइड लाएंगे और यहाँ पर भी हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम इसको पलट के बैक साइड में लाएंगे, देखिए इसको ऐसे सेट करेंगे, बॉटम की साइड में सीधे स्टिच करते हुए यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। बॉटम की साइड भी हमने सीधे स्टिच करके यहाँ पे देखिए लॉक कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम 14x26 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, को ऐसे प्रेस करेंगे बॉटम की साइड में, और यहाँ पे हम देखिए इस साइड हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए हमने बॉक्स बना लिया है मार्क करते हुए, ऐसे ही इस साइड भी हम मार्क करके बॉक्स बना लेंगे कि दोनों साइड से हमने 1.5 इंच पे मार्क करके बॉक्स बना लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे, साइड से देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और ये जो पॉकेट अभी स्टिच की थी वो वाला पार्ट लेंगे और इसको हम पलट के सीधी साइड लाएंगे। इसको हमने पलट के सीधी साइड कर लिया है। अब हम ये जो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे कट किया है, यहाँ से हम 1 इंच पे देखिए ऐसे ऊपर की साइड में मार्क करेंगे, जो हमने कट किया था उससे हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है और ऐसे ही हम इस साइड भी 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो पॉकेट है, पॉकेट को देखिए पहले इस प्लेन पीस को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे ये जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है इस वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे और ऐसे करते हुए इस पार्ट को हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए दोनों पार्ट्स को लेते हुए हमने इस पॉकेट को इसमें अटैच कर दिया है सीधे स्टिच करके। ऐसे ही हम देखिए इसको ये वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पे जो हमने मार्क किया है 1 इंच पे, यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में इसको ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे ऐसे इसको रखते हुए, और ये वाला जो प्लेन पीस है इस साइड वाला इसको भी हम ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और इसको भी हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी देखिए दोनों प्लेन पीस को लेते हुए हमने जिप वाला पार्ट इसमें अटैच कर दिया है। ये हमारा पार्ट कुछ ऐसे बनके रेडी होगा। अब हम ये जो हमारा 1.5 इंच पे हमने कट किया था इसको देखिए ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे सीधे स्टिच करके इस साइड हम लॉक कर देंगे और ऐसे ही हम इस साइड भी ऐसे सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके लॉक कर देंगे दोनों साइड को। दोनों कॉर्नर पे देखिए हमने सीधे स्टिच करके यहाँ पे इस साइड हमने लॉक कर दिया है। अब हम प्लेन पीस है इसका ये सेंटर का मार्क है, ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ पे हम सीधे स्टिच करते हुए जो क्विल्टेड पीस अंदर की साइड में है इसको हम ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके यहाँ से इसमें अटैच कर देंगे प्लेन पीस में। प्लेन पीस के साथ ये जो पॉकेट हमने इसमें अटैच की थी इसको भी हमने साथ में स्टिच कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसको देखिए यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, ये पॉकेट का हमारा उल्टा साइड है और इसमें ऐसे करके पॉकेट को इसमें डालेंगे और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इस पार्ट में सेंटर का मार्क लगाया था, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर का मार्क है और ये जो स्टिच लाइन है ये वाली स्टिच लाइन है इसको हम देखिए अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट को फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से इस पॉकेट को इसमें अटैच करना है, तो देखिए इसको फोल्ड करते हुए और प्लेन पीस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे।
ऐसे सेट करते हुए हमें राउंड में पूरा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ, देखिए ये प्लेन पीस है, इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस क्विल्टेड पीस को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम ऊपर से ऐसे स्टिच करके राउंड में हम इस पॉकेट को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे राउंड में स्टिच करते हुए पॉकेट को इसमें अटैच कर देंगे। अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए प्लेन पीस और क्विल्टेड पीस दोनों को हमने यहाँ पे राउंड में स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए ये पॉकेट हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है और एक ये जिप वाली पॉकेट है और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है, ये तीन पॉकेट हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स ये बैग बन के रेडी है। ये फ्लैप है, फ्लैप को हम ये वेलक्रो हमने यहाँ पे स्टिच किया था, इसको हम इसमें ऐसे लॉक कर देंगे वेलक्रो से। और ये जो 5 इंच के हमने यहाँ पे बेल्ट और डी लूप को अटैच किया है, यहाँ पे हम बेल्ट को अटैच कर देंगे हम। तो देखिए ये 45 इंच की हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट को हम इस साइड से ऐसे डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड हम स्क्वायर शेप में स्टिच करते हुए दोनों साइड में हम बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए हमने स्क्वायर शेप में स्टिच करते हुए बेल्ट को इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब ये बैग हमारा बन के रेडी है फ्रेंड्स, ये देखिए शोल्डर बैग बन के रेडी है। एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है, ये देखिए ये पॉकेट है, ये पॉकेट है और तीन पॉकेट हमारी अंदर की साइड में है और एक पॉकेट हमारी ऊपर की साइड में फ्लैप में है और एक बैक साइड में है। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको हमारा शोल्डर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।